आदर आदा अभिनंदन आभार। मैं हूं मानस और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल सफ़रनामा। तो दोस्तों आज हम आए हैं एक बहुत ही शांत इलाके में और उसका नाम है राजघाट, टाइम पास करने के लिए और जो शांति प्रिय लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छी जगह है। कोई टिकट नहीं, कुछ भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, आप आइए आराम से बैठिए। और ये दोस्तों आप देखेंगे इस तरफ है किसान घाट, तो चलिए मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या है और क्या क्या चीज़ देखने के लिए है। आइए शुरू करते हैं। ये है दोस्तों राजघाट, लेकिन ये गेट नॉर्मल पब्लिक के लिए बंद रहते हैं। अगर कोई वीआईपी वगैरह आता है तो उसकी एंट्री इन गेटों से होती है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा राजघाट ये प्लेस है हमारे देश के जो राष्ट्रपिता थे महात्मा गांधी, उनका समाधि स्थल है ये। और उसके एकदम अपोजिट में देखेंगे तो ये गांधी जी का एक म्यूज़ियम बना हुआ है यहाँ पर, इसको भी दिखाते हैं अगर इनमें जान दिया जाता है तो। ये गांधी जी के बारे में थोड़ी बेसिक सी इन्फॉर्मेशन अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। और ये राजघाट के बारे में दे रखा है। तो आइए दोस्तों मैं आपको मेन गेट की तरफ ले चलता हूँ जहाँ से ये मेन एंट्री होती है नॉर्मल पब्लिक के लिए। मेरे ख्याल से कोई टिकट वगैरह तो पड़ता नहीं है यहाँ पर, और उसी के सामने पार्किंग की स्पेस भी दे रखी है। अगर आप गाड़ी या टू व्हीलर से आते हैं तो आप वहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों टूरिस्ट लोग हमेशा आते रहते हैं यहाँ पर देखने के लिए, फॉरेनर्स की तादाद सबसे ज़्यादा होती है। और इधर आपको छोटी मोटी दुकानें दिख जाएंगी। और इसके अपोजिट में पार्किंग मिल जाएगा आपको गाड़ी खड़ा करने के लिए, कैफेटेरिया है और बहुत ही बढ़िया पब्लिक कन्वीनियंस भी बना हुआ है जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है हम हिंदुस्तानियों को। बापू की मूर्ति बहुत ही अच्छा बना रखा है इन्होंने। ये देख सकते हैं आप दोस्तों स्नैक्स मील्स, साउथ इंडियंस कॉमो मील्स, चाइनीज़, मेजरली सारी तरह की जो स्नैक्स और सारी वैरायटी इन्होंने दे रखी है। और ये गांधी जी बैठे हुए हैं यहाँ पर। दोस्तों ये हम लोग आ गए हैं गांधी जी के म्यूज़ियम में, देखते हैं कि हमें वीडियो रिकॉर्ड करने देते हैं अंदर या नहीं, क्योंकि हो सकता है म्यूज़ियम है, हो सकता है मना कर दें। चलिए पता करते हैं। दोस्तों मैं थोड़ा चोरी चोरी से मैं वीडियो दिखा दे रहा हूँ आपको, यहाँ पर वीडियोग्राफी मना है। इस जगह का नाम है दोस्तों गांधी दर्शन। गए हैं राजघाट के अंदर, घुसते ही आपको राइट साइड में ये समाधियाँ दिखेंगी, इसका नाम है किसान घाट और संघर्ष स्थल। ये समाधि है चौधरी चरण सिंह जी की। टाइम पास करने के लिए बेहतरीन जगह है ये, खुला खुला पार्क, टाइम पास करो, बैठो, मज़े लो, एंजॉय करो। बहुत ही शांत साइलेंट एनवायरनमेंट है यहाँ का, बहुत बढ़िया। यहाँ पे जूते उतार के आपको आने पड़ेंगे, जूता पहनना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। और यहाँ की टाइमिंग होती है 6 बजे तक की। ये देखिए काफ़ी बड़ा इन्होंने बनाया हुआ है। और ये दोस्तों दूसरा समाधि स्थल है, यहाँ पे कहीं कुछ मेंशन नहीं है कि ये किसका है, अब ये नहीं पता चल रहा है कि ये किसका है भाई। बहुत ही अच्छा और ख़ूबसूरत तरीके से इन्होंने पार्क को डेकोरेट कर रखा है। ये देखिए आप फुल ग्रीनरी दे रखी है, परम शांति है यहाँ पे, परम शांति। उधर पड़ेगा आपको वीरभूमि, किसान घाट मैंने आपको दिखाई दिया और ये है राजघाट।
तो आइए इसके अंदर घुसते हैं। कैमरे की बैटरी मरने वाली है तो ये कभी भी ख़त्म हो सकता है। और ये फोटोग्राफी करते हुए सेल्फी खिंचवाते हुए लोग शुद्ध हृदय से निकला वो वचन कभी निष्फल नहीं होता। A word uttered from pure heart never goes in vain. Okay, ये गांधी जी के कहे हुए शब्द हैं, बगैर सत्संग के आत्मा सूख जाती है। ओके तो ये कुछ और सेंटेंसेस गांधी जी के सुनाता हूँ मैं आपको। अफवाह सुनना नहीं, सुनो तो मानना नहीं। हाँ यही बात सही है। और एक और स्लोगन है यहाँ पर, स्वार्थ हमेशा हमें चिंताग्रस्त करता है। यही बात सही है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत ही खुला खुला मैदान है, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। ये देखिए आप, वाह, ऐसी जगह जो दिल्ली में बहुत कम है। आप यहाँ पे आराम से मज़े लो, एंजॉय करो। और ये ऊपर से मैं व्यू दिखा रहा हूँ आपको गांधी जी के समाधि स्थल का। ये रहा, अभी मैं नीचे भी चल के दिखाता हूँ आपको। ये है, ये फ्रंट से एकदम एंट्री है राजघाट की। अगर आपको समाधि स्थल के पास जाना हो तो यहाँ से नीचे से जा सकते हैं आप। और यहाँ पे आपको जूते चप्पल उतार के जाने पड़ेंगे, आप पहन के अंदर नहीं जा सकते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये जो लोकेशन है ज़्यादातर आपको टीवी पर ही दिखती होगी। जब बड़े बड़े लोग आते हैं यहाँ पर 31 जनवरी को, तो ये लोकेशन बेसिकली न्यूज़ व्यूज़ में ही दिखाया जाता है। आज मैं आपको यहाँ पे लाइव दिखा दे रहा हूँ। बहुत ही शांत, बहुत ही शांति है यहाँ पर। चलिए मैं आपको मोबाइल कैमरे से ही इसकी रिकॉर्डिंग दिखा देता हूँ। हे राम, क्या आप लोगों को पता है ये हे राम क्यों लिखा रहता है यहाँ पर? क्योंकि गांधी जी के अंतिम शब्द हे राम ही थे। अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो यहाँ दान पेटी में डाल सकते हैं। चलिए मैं आपको आगे दिखाता हूँ आगे क्या क्या है। सीधे है वीरभूमि, राइट में नर्सरी, पंप हाउस, सब स्टेशन। ये हमें देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। चलिए मैं आपको वीरभूमि दिखाता हूँ। अच्छा, ये वीरभूमि जो है ये राजीव गांधी जी का है, तो उनके बारे में अगर डिटेल जानना है आपको तो आप ये देख सकते हैं। राजीव गांधी जी की ये दोस्तों देख सकते हैं आप, राजीव गांधी के कुछ स्लोगन हैं, कुछ सेंटेंसेस जो कि उन्होंने अपने इस देश के बारे में बोला है। और यहाँ भी आने के लिए
आपको जूते उतारने पड़ेंगे। और ये देखिए दोस्तों, पूरा एक राउंड व्यू दिखा देता हूँ आपको। उधर एक छोटा सा लेक भी है, चलते हैं लेक के पास। सब्सक्राइब कर दिया ना चल ठीक है। 3D शेप में बहुत बढ़िया, बहुत ही गजब का लुक है इसमें। और लोग अपने अपने आइटम के साथ मस्ती कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये बंद होने वाला है, निकल चलते हैं यहाँ से। सारा था मैंने आपको दिखाई दिया है, लेट्स मूव ऑन। ये गांधी जी की कुछ पंक्तियाँ, धैर्य से बहुत काम बनते हैं, अधैर्य से बिगड़ते हैं। जो जीवन के सुर में चलता है उसे कभी थकान नहीं होगा। कार्य शक्तिप्रद है क्योंकि अनासक्त कार्य भगवान भक्ति है। झूठ आत्मा को खा जाता है, सत्य आत्मा को पुष्ट करता है। धर्म के लिए मरना अच्छा है, धर्मदता के लिए न जीना न मरना। सच्चा कार्य कभी निकम्मा नहीं होता, सच्चा वचन अंत में कभी अप्रिय नहीं होता। जैसे हम अपने धर्म को आदर देते हैं ऐसे ही दूसरे धर्म को दें। मात सही शूढ़ता पर्याप्त नहीं है। सनसेट का टाइम हो गया है, तब होगा अंधेरा, अंधेरा कायम रहे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर दो मेरे भाई। मैं बोल बोल कर थक गया हूँ आप लोगों को। सब्सक्राइब करो भक्के, गौरव जोन वाले टोन में भक्के। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहो, आबाद रहो, मुस्कुराते रहो। चलो बाय।